भाई मैं ब्लॉक की एंडिंग कर रहा हूँ यहाँ से। इस आदमी ने बना रखा है मेरे घर को नानी का घर। इसको सुबह उठाओ तब नहीं उठता। अच्छा देखो प्रेस से इसने वो भी जला दिया क्या? मेरा बेड मैंने नहीं जलाया ब्रदर। ओ पफ कौन देखो इधर दबा रखे हैं। अच्छा भाई साहब नानी का घर बंदा जब से आया है तब से सिर्फ सो रहा है। सिर्फ सो रहो भाई काम कर लो काम कर लो ना। आप देहरादून जाना चाह रहे हो मैं कह रहा हूँ टिकट कराता हूँ जा नहीं रहा है भाई। ये बंदा सिर्फ सो रहा है कह रहा है मेरे को जाना ही नहीं देहरादून। काम करूँगा सॉरी आराम करूँगा। काम तो भाई ने किया ही नहीं है। डोंट बी लाइक हिम बी लाइक मी गाइस। ये देखो ये अपनी बम को सुझा के भाई फिजियो पे चला जाइयो। ओके बाय रिहैब नानी घर पे देखो सो रहा है। गाइस बाय द वे माथा दिखा अपना इसके ये भी डाल लेंगे ब्लॉग में। पिंपल अवॉइड करो पर हटा हाथ हटा। यहाँ ऊपर की आपको हेयरलाइन दिख रही होगी जो गायब है ये गाइस मैंने जलाई है क्योंकि काम नहीं कर रहा था। मैंने स्प्रे मार के जला दी मैंने से लाइटर जलाया और नीचे स्प्रे मार दिया इसके बाल जल गए बेचारे के। चलो बाय बाय गाइस। हां आप सॉरी तो आज आशी का मेरा आशीर्वाद दे दिया बाइक चलाने से पहले। बेटा जीती रहे नई बाइक ली उसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद दे दिया। अगर हाँ ऑन है तो आशिका ने कहा उसे सॉरी लिफ्ट से जाना तो अबे मैं वासु जो काटती रहती हर समय ये कट कर दियो ब्लॉग। तो जा रहे हैं टेस्टिंग पे हरे रंग की R15 की। आशिका तो आपने क्या सोच के हरे रंग की R15 ली? गाइस एक बार ध्यान से इस बाइक को देखो ये अगर यहाँ पे जो लिखा है से हम छुपा दें तो इसको सामने से कोई देखो ये लग नहीं रही R15 पुरानी वाली मुझे तो लग रही है। देख नहीं लग रही। तूने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च के 1.5 लाख में दिलाता तुझे और 20,000 में मैं इसका कलर कराया था ग्रीन सेम यार बट ओरिजिनल ओरिजिनल। और मैं तुझे बता रहा मेरठ जाके मैं इंजन भी बदलवा देता। यही करता रहता भाई मेरठ पे जाके लग जाते 2 सिलेंडर नहीं पड़ता साले मेरठ में 10,000 में 2 सिलेंडर लगते हैं। मैंने गलती से आशिका को तो अरे भाई ये जो शब्द आप निकाल रहे हो अपने मुंह से वो अंदर रखो। अरे रुक जा कहीं से गाली देता रहता है। मेरा फैमिली व्लॉग है भाई किसी बातें करता है यार जी से सिर्फ मैं तुम्हें बताता हूँ गधा होता है और कुछ नहीं। तू है मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने गलती से आशिका को डराने के लिए थोड़ी सी बाइक भगाई फिर जब आशिका ने मुझे डराया तो मेरी तो हवा टाइट हो गई। कैसी भगाती है अंकल? बहुत बढ़िया भगाती है ना। एक दिन लड़का भी भगा के ले जाएगी कोई मुझे लगता है। कहाँ है इधर से कहीं से आ रही बाइक की आवाज़ ही नहीं आ रही। इधर से आएगी वो इस रोड से कहीं से आएगी भाई बहुत ख़राब चलाती है भाई बहुत ख़राब। नहीं चलाने में कोई दिक्कत है लेकिन उनका क्या कंट्रोल है ना उनके कंट्रोल है भैया पीछे बैठ के देखो कितना अच्छा कंट्रोल है भरोसा ही नहीं होता। मैं तो उड़ गया था वो तो मैं सोचा बैठे मैं सोचा आप जान मैं सो जाता हूँ भाई भाई वो इतनी बदतमीज है मैंने सोचा पकड़ लेता हूँ उसे नीचे झुक गई पकड़ने को कुछ नहीं। गाइस क्या पकड़ता उसकी मुंडी बदतमीज है भाई वो बहुत। इंतजार कर रहा हूँ मैं अभी ये तो कार में गई थी वो सॉरी बाइक में गई थी कार में क्यों आ रही है हम इंतजार में हैं कब आशिका और प्रियंका वापस आएंगे। गाइस मैं बदला लूँगा जैसे आशिका ने मुझे डराया एक दिन मैं उसे भी डराऊंगा। आज मैं चप्पल पहन के आया था अगली बार मैं जूता पहन के आऊँगा तो मैं उससे बदला लूँगा। क्या कह रहे दीदी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाती है। थैंक यू पर पता क्या बोला हेलमेट पहन लो। एक वीडियो दिखाऊं मेरी वीडियो दिखाओ चिल्लाते हुए। हाँ मैंने भी बनाई है व्लॉग मुझे बचाओ वहां से आवाज आ रहा था चिल्लाते आ रहा था तेरी बाइक की आवाज तो पता है वहां एंड में तब भी आ रही है। एंड सब बच ही गया था। आशिका ने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया है देखो घुंघराले बाल मेरे सूख रहे थे ऊपर है मैं सोच रहा हूं कर्ली करा लूं अपने सारे बाल क्या कहते हो गाइस।
करा ले। इससे ज्यादा बेवकूफ और नहीं दिख सकता मैं, बदतमीज गंदा आइडिया देती रहती है। पर गाइस मजा आ गया, भगवा रंग पहन के रंग की बाइक चलाई, काफी सर्कुलर फील हुआ। आप सोच रहे हो हरे रंग पे भगवा की जीत हुई, भगवा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। दिन का पहला वर्कआउट हो गया खत्म, पंप तो पता नहीं कहाँ से दिखेगा क्योंकि छोटा है, छोड़ो मैं दिखा रहा ऐप नहीं है, ऐप करो तो नहीं दिखाना, नहीं दिखा रहे। अभी जा रहा हूँ घर, खाना खाऊंगा, फिर क्या करना है, फिर एक शूट करना है छोटा सा, फिर किसी का मैसेज आ गया पता नहीं कौन है, फिर हम फिर से शैम्पू वर्कआउट करने जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट एक वीक ऐसे क्या 10 दिन के करीब मैं 2 बार वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बढ़िया सुंदर सी बॉडी बनानी है, क्यों वो बताएंगे आपको। बाय मैंने पे और बाय बाय। सो मैं जा रहा था अपने शूट पे, तो मैंने सोचा अभी 2-3 घंटे शूट करूँगा, भूखा रहना पड़ जाएगा, तो मैंने सोचा अपना प्रोटीन ले लेता हूँ, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शूट तक तुम लोग पूछ रहे किस चीज़ का शूट कर रहा हूँ, तो आई एम शूटिंग फॉर नथिंग, एक रील है पीछे देखना, रील पता नहीं क्यों लगा रखी है। हाँ तो मेरे को एक रील शूट करनी थी और कुछ फोटोज खिंचवा के भेजनी है, पोर्टफोलियो भेजना पड़ता है, मजाक कर रहा हूँ इस ऐसे कुछ खिंचवा रही थी क्योंकि बहुत टाइम से कोई नई फोटोज नहीं थी, वो खिंचवानी थी और क्या कहते हैं और कुछ नहीं और यार, तो सब जानना लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बाय द वे ये है बिग मसल का जीरो, ये है बिग मसल का बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन, इसके 30 ग्राम के स्कूप में आएगा समय, 30 के स्कूप है ना, कुछ गलत ना बोल दूँ मैं ऑडियंस आ गए, 30 ग्राम के स्कूप में मिल जाता है 26 ग्राम प्रोटीन, तो और कोई बेटर प्रोटीन है मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ और है, तो तुम भी जाके ऑर्डर करो। हाँ एक तो जो ढक्कन बोल के ऐसे भी मुझे मजा आता ना बेस्ट, मैंने अभी अभी दाढ़ी काटी है, मेरे को ना थोड़ा अजीब सा लगता है, टेस्ट बढ़िया, बहुत दिन से दाढ़ी रखी हुई ना तो जैसे काटते हो तो अजीब लगता है, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ फ्यूचर में लग गया, तुम क्या कहते हो। चलो इससे पहले सनलाइट चली जाए मैं खेलता हूँ शूट के लिए, प्रोटीन भी लेता पहले। तो हम कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। फिजियो करवा रहे हो फिर आप आजकल? बच के वार्ड लग चुकी है मुझे। हैं? चल के दिखाओ एक बार, एक काम करो। नहीं चल तो सही दौड़ ना। अब सीधा हो गए। गाइस पहले टेढ़ा मेढ़ा चलता था, पहले चलता था सर। हाँ आज टेढ़ा चलता था। टेढ़ा। एक टाइम पर एक तो ये लिफ्ट इसने परेशान कर दिया। ये भाई लिफ्ट गाइस बहुत तेज थी। भाई हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत थका हुआ हूँ सुबह का वर्कआउट, मैंने तो ज़्यादा ही पार कर दिया था। भाई भी फिर से वर्कआउट करना है तुझे। शूट से भी जाऊँगा कुछ खाऊंगा। मन तो करता जूता मारो मुंह पे, चल भाई ये छोड़ दिया। गाइस मुझे मेरा नया दोस्त मिल गया। हेलो हेलो बोल। हेलो 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 हेलो। तो हम यहाँ कर रहे थे शूट, ये भाई साहब आ गए और अब ये भाई साहब हमारे साथ भटक रहे हैं। कहाँ जा रहा है? चल आगे चल। आया पीछे क्यों आता है? तू क्या कर रहा है? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्या करूँगा। मैं फ्री मैं मेरे पास रुको। फ्री फंड के काम करता रहे। हम एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस, हम एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओए हीरो ब्रो सर, सागर गुड बाय, यू आर नॉट लीविंग मी डाउनस्टेयर्स, बाय बाय। हाय निकल चल निकल। तो ये बंदा मेरे आधे कपड़े लेके चला गया, एक रील एडिट करके नहीं दी पर इसने मुझे आधे कपड़े। एक मिनट भाई साहब, फोन डाउट ना, मैं दिखा दूँ। वही लड़की जिसका बॉयफ्रेंड है लेकिन तू उससे बातें करता रहता है। अमन एक्सपोज्ड talking to a married woman whole night. जॉकी के पास खड़ा हूँ, जॉकी बताओ बंदी के बंदे की आवाज है, जॉकी के पास खड़ा है भाई। तुम थोड़ा सा होगा टीबीएच के हैं, बताओ। ओह माय गॉड व्हाट अ अगली पर्सन यू आर ब्रदर। व्हेन विल यू कम बैक? डोंट कम बैक भाई, रील भेज दिया मुझे देहरादून पहुंचते ही। अच्छा अगर आप
आपको याद हो मैं आपको बहुत सारे रील्स और ब्लॉग भेज चुका हूं। नहीं मेरे को वो डे 1 चाहिए 4:30 5 बजे। जल्दी आ जाए आपको डे 1 बनाना। डे 1 भेज देना 5 बजे तक, समझ रहे? 5 बजे तक मुझे डे 1 नहीं भाई। बाय बाय, मिलते रहना, अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम भाई उठाओ, तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनाया हमने, तुम्हें पुलअप्स क्यों करवाए जिम में? भाई पहले दिन आया था, भाई ने सिर्फ 4 पुलअप किए थे, 30 हुए 3 पुलअप। भाई जा रहा है, भाई ने अब 6 किए हैं, 6। क्वालिटी तो मेरे फ़ोन की बहुत ही बढ़िया है, क्या लग रहा है ब्रो तू? तेरे कैमरे से बेटर क्वालिटी आती है मेरे फ़ोन में मुझे लगता है। आएगी, अरे ऑब्वियसली वाली आएगी। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बाय बाय प्रियंका जी, बाय बाय, चले ना। हाँ ये वाली लिफ्ट थोड़ी स्लो चलती है ब्रो। हेलो हेलो, सॉरी आई एम गोइंग, सॉरी सॉरी सॉरी, थप्पड़ खा ले जी, कान पकड़ बोल, जाने दे, लेट होगा फ्लाइट है, मैं तो जाती हूं वापस आए। अयो सॉरी बोल, फिर जाने दोगे आप? सॉरी मैं ब्लॉग में डालूंगी बिच में माय ब्लॉग। एक मिनट, थप्पड़ खा जाएगी, मत कर बिच इज कमिंग गो ब्रो। अच्छा मुझे नीचे तक तो छोड़ने आ जा। गाइस देखो कितना मिस कर रही है मुझे, पागल हो गई है, बाय, पागल हो गई है, इतना मिस कर रही है मुझे। सिंपल ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन शूज एंड ऑरेंज टोपी, इससे ज्यादा सुंदर ऑरेंज टोपी सिर्फ फोर्स के लिए। अयोध्या जय श्री राम। तो तबीयत खराब थी बहुत दिन से और मेरा मन भी कर रहा था अपनी माँ से मिलने का, तो मैंने सोचा हम जाते हैं देहरादून। तो हम जा रहे हैं देहरादून क्योंकि मुझे कहीं जाना है, उससे पहले आई वांट टू मीट माय मॉम ताकि मेरी थोड़ी नज़र नज़र उतार दे और अच्छे से जो करना चाहता हूँ। हम मिलते हैं एयरपोर्ट पर।